नमस्कार, स्वागत है आपका स्वदेश विशेष में। क्या है विशेष आज? आज विशेष है आज की तारीख 24 मार्च। याद है आज से 2 साल पहले सड़कें सूनी थीं, दुकानें बंद थीं और मान लीजिए संसार सिमट गया था केवल घर में ही, और एक घबराहट थी कि आगे आने वाला समय कैसा होगा। लेकिन 2 साल के कड़े परिश्रम के बाद आखिरकार अब वो समय आ गया है कि ये पाबंदियाँ हटाई जाएं। लेकिन जब ये पाबंदियाँ हटेंगी तो किस तरीके से कोरोना से लड़ाई जारी रहेगी, इस पर बात करेंगे। पहले देखिए रिपोर्ट, आगे हम बात करेंगे अपने एक्सपर्ट से। आज से ठीक 2 साल पहले पीएम मोदी का ऐलान एक अदृश्य शत्रु के खिलाफ देश की लड़ाई का बिगुल था, कोरोना वायरस, जिसने 2 साल पहले देश के लोगों को उनके घरों में कैद कर दिया था। सड़कें सुनसान हो गई थी और अस्पताल मरीजों से भर गए थे। जो जहां था बस वहीं थम गया था। लेकिन हज़ारों मजबूरियां ऐसी भी थीं जो सड़कों पर सैकड़ों मील दूर अपने घर से दूर पैदल ही चल पड़े थे। ये मंजर आज भी रूह कपा देने वाले के लिए काफ़ी है। सिर्फ चंद घंटों में ही ज़िंदगी ने ऐसी करवट ली कि लोगों की मुस्कान मास्क में ढक गई। अपने करीबियों की जगह सोशल डिस्टेंसिंग ने ले ली, लेकिन हर रात के बाद सुबह ही आती है। भारत ने इस अदृश्य दुश्मन से एक जंग की तरह लड़ाई लड़ी। इस जंग को आज पूरे 2 साल हो चुके हैं। देश धीरे धीरे ही सही पटरी पर लौट चुका है। पाबंदियों की बेड़ियां काटने का भी ऐलान हो चुका है। NDMA ने 31 मार्च से डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के प्रावधानों को ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। बीते 7 हफ्तों से कोरोना मामलों में आई गिरावट के बाद ये फैसला किया गया है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को इस बारे में खत भेजा है। गृह मंत्रालय की तरफ से 31 मार्च के बाद डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कोरोना से जुड़ा कोई आदेश जारी नहीं किया जाएगा। मगर ऐसा नहीं है कि लोगों को लापरवाही करने का लाइसेंस मिल जाएगा। केंद्र ने राज्यों को कहा है महामारी पर अब भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। जब भी केस बढ़ें तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्थानीय स्तर पर तेज़ी से कदम उठा सकेंगे। सार्वजनिक जगहों पर भी अब मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ज़रूरी होगा। राज्यों को टेस्टिंग, ट्रैकिंग, वैक्सीनेशन और कोविड प्रोटोकॉल पालन करवाना होगा। राज्यों को रिस्क असेसमेंट के आधार पर सोशल और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का खोलना या बंद करना होगा। राज्यों को टेस्ट पॉजिटिविटी और बेड की संख्या के आधार पर पाबंदियां लगानी होंगी। राज्यों को ही कोविड इंफ्रास्ट्रक्चर की पर्याप्त व्यवस्था पर फोकस रखना होगा। सभी आयु वर्ग के लोगों का 100% वैक्सीनेशन करवाना होगा। भारत ने भले ही पाबंदियों की बेड़ियां ढीली कर दी, लेकिन दुनिया में भारत जैसे बेहतर हालात नहीं है। सरकार का फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब कई देशों में कोरोना की चौथी लहर ने दस्तक दे दी है। हालांकि भारत इस बीमारी से निपटने के लिए काफ़ी बेहतर स्थिति में है। भारत में वैक्सीन अभियान मजबूती से चल रहा है और भारत में अभी 12 साल से ऊपर की आयु वाले सभी लोगों को वैक्सीन लग रही है। भारत में वैक्सीन के 182 करोड़ डोज दिए जा चुके हैं, जिसमें 82 करोड़ लोग फुली वैक्सीनेटेड हैं, यानी करीब 60% लोग पूरी तरह से वैक्सीनेट हो चुके हैं। रोजाना पॉजिटिविटी रेट भी अब गिर कर 0.28% हो चुका है। बावजूद इसके भारत को सतर्क रहना होगा। कई एक्सपर्ट्स भारत में भी चौथी लहर की आशंका से इनकार नहीं कर रहे हैं। बीते कुछ दिनों में चीन, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, फ्रांस और जर्मनी में ओमिक्रॉन BA.2 के मामले सामने आए हैं। चलिए इस पर बहुत और बातचीत करेंगे और बात करेंगे अपने गेस्ट से कि आगे आने वाले समय में किस तरीके से हमें इस लड़ाई को लड़ना होगा। हमारे साथ डॉक्टर अरुणेश कुमार, जो कि सीनियर कंसल्टेंट है पारस हॉस्पिटल से, वो मौजूद हैं। उनसे हम इस बारे में बातचीत करेंगे। अरुणेश सर, 2 साल हो चुके हैं अब यहाँ पे जो गाइडलाइंस आई हैं केंद्र सरकार की, उससे क्या माना जाए? लेकिन क्योंकि पूरी दुनिया में समय अगर हम देखें तो नंबर अभी भी बढ़ रहे हैं, कितनी एहतियात के साथ हमें आगे बढ़ना होगा? देखिए, अभी भी कोविड के नंबर्स कम हो रहे हैं हमारे इंडिया में, हर जगह कम हो रहे हैं, ये एक बड़ी अच्छी खबर है। और ये इतना तो तय है कि जो तीसरी लहर थी वो अब कम हो रही है। आपका सवाल है क्या चौथी लहर एमिनेंट है? हो सकता है कि चौथी लहर जैसे तीसरी लहर आई थी, चौथी लहर भी आए, हमें इसे इनकार नहीं कर सकते। किसी भी लहर के आने का ये मतलब होता है कि इसका असर कितना पड़ रहा है, हमारे हॉस्पिटलाइजेशन कितने पड़ रहे हैं, हमारे कितने लोग सिक हो रहे हैं, मोर्टेलिटी कैसी है। ये सारे मानक होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं एक महामारी के।
जो ओमिक्रॉन वेव था इसने दिखाया कि नंबर्स तो बहुत ज्यादा थे लेकिन हमारी हॉस्पिटलाइजेशन ज्यादा नहीं हुई, लोग ज्यादा सिक नहीं हुए और मेजोरिटी लोग अपने घर पे ठीक हुए। अगर ऐसी ही चौथी लहर भी आती है तो इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, क्योंकि वायरसेस का काम होता है एपिडेमिक करना, पेंडेमिक में एपिडेमिक्स होते हैं और धीरे धीरे यही एंडेमिक बन जाते हैं, तो चौथी लहर आ सकती है। फिर भी मेरी सलाह होगी कि हमें अपने वी शुड नॉट लेट आवर गार्ड्स डाउन, जो कि हम लोग अब कर रहे हैं और ये एक चिंता का विषय है। मुझे लग रहा है कि ये वायरस की चुनौती खत्म नहीं हुई है। मास्क का मैं सपोर्ट करता हूं, मुझे लग रहा है कि हम लोगों को मास्क अपने हर दिन के जिंदगी के व्यवहार में लाना चाहिए। जैसे चाइना, जैसे साउथ कोरिया, ऐसे इसमें ये मास्क पहनना एक नॉर्मल है, लोगों की जिंदगी का हिस्सा है, वैसे ये होना चाहिए। मुझे ये भी लगता है कि मास्क को मैंडेटरी नहीं रखना चाहिए लेकिन वॉलंटरी फॉर्म में लोगों को इसको स्वीकार करना चाहिए कि अपने हम अगर बाहर निकले तो हम मास्क पहने। देखिए दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन का भी कल ही पेपर में आया है कि WHO ने हमारे एरिया को, दिल्ली को मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल, और हमारे बहुत सारे हरियाणा दिल्ली एनसीआर के टाउन्स हैं जो वर्स्ट पॉल्यूटेड प्लेसेस में है। तो मास्क हमें ये दो तरह से हेल्प करेगा, वायरस से भी बचाएगा और पॉल्यूशन से भी बचाएगा। साथ ही साथ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को कोशिश अभी करनी चाहिए कि क्योंकि आने वाला 2-3 महीनों में हमें पता चल जाएगा कि नए वेव्स ने दस्तक दी है या नहीं, तो उसकी तैयारी में ये सारी चीजें करनी चाहिए। आपने एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात कही सर कि मास्क सब कंपलसरी नहीं करने चाहिए, लेकिन अभी भी हाथ धोते रहना, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, ये सब चीज़ें कितनी ज़रूरी हैं कि चौथी वेव फिर से ना जाए। सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि चलिए जैसे आपने कहा कि ओमिक्रॉन में खतरा तो नहीं आया लेकिन उसके बाद भी दुकानें बंद हुई, इकॉनमी थोड़ी सी फिर एक पटरी पर चली गई, ट्रैवल कम हो गया, तो क्या आपको लगता है कि इस तरीके के एहतियात अभी बरतने चाहिए आम आदमी को? बिल्कुल, और अभी मैं ये कह रहा हूँ कि अगले 1 से 1.5 साल ये एहतियात बरतें। मुझे नहीं लग रहा है कि मैं एग्री नहीं करता हूँ, जैसे अभी यूरोप में हुआ है कि आप मास्क हटा लो और आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। ये वायरस आप ऐसे समझो कि ये सरप्राइज करने के लिए जाना गया है। हमें डेल्टा में इसने कैसे सरप्राइज किया अभी भी याद है लोगों को, सेकेंड वेव में क्या हुआ था। वायरस म्यूटेशंस डिपेंडेंट है। अच्छी बात यह है कि हमारे वैक्सीनेशन, जैसे आपके रिपोर्ट में बताया गया, वैक्सीनेशन नंबर हमारे बड़े अच्छे हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि भारत दुनिया में वेल प्लेस्ड है। दुनिया के दूसरे कंट्री के हिसाब से भारत की तैयारी सबसे बहुत अच्छी है, लेकिन हमारा पॉपुलेशन बेस भी बहुत ज्यादा है, तो हमें ये नहीं पता कि नए म्यूटेशंस वाले वायरस कैसे बिहेव करेंगे। हमेशा एक फेनोमेना होता है इम्यून स्केप, जो कि ओमिक्रॉन में बहुत कॉमन था, इसीलिए आपने देखा बहुत सारे लोग जिनको दो दो वैक्सीन लगे हुए थे उनको भी इन्फेक्शन हुआ। अगला जो म्यूटेटेड वायरस होगा वो कैसा होगा हमें नहीं पता है। अभी ऑलरेडी आप BA.2 की बात कर रहे हैं, जो ओमिक्रॉन का दूसरा वाला वेरिएंट है, उसकी बात चल रही है, जो ऑलरेडी अभी फ्रांस में, यूके में, जर्मनी में इसके स्प्रेड हो रहे हैं। हालांकि अभी भी पेशेंट्स वहां बहुत सिक नहीं हो रहे हैं, चाइना में कुछ मोर्टेलिटीज देखी गई हैं। तो मैं आपके दर्शकों को अलार्म नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमें इसके लिए तैयार होना पड़ेगा कि हमें ये जो अदृश्य एनिमी है वो कैसा होगा उसके बारे में कोई पता नहीं है। तो हम क्या क्या कर सकते हैं, जो वैक्सीनेशन रैंपिंग अप, जो जिसमें इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है, उसको कंटिन्यू रखें। मास्क इसलिए लगाना जरूरी है कि डजंट मैटर कौन सा वेरिएशन आता है, वो मास्क, वो हम एक बात पक्का है कि वो हमारे सांस के रास्ते ही जाएगा, हम जो इनहेल करेंगे उसी के रास्ते वो वायरस जाता है। अगर हम मास्क लगा के रखते हैं तो कोई भी वेरियंट हो, कोई भी नया ग्रीक लेटर हो, वो हमारे अंदर नहीं घुस सकता है, इसलिए मैं मास्किंग पे बहुत ज्यादा जोर दे रहा हूँ। सोशल डिस्टेंसिंग इसलिए जरूरी है कि अगेन जो उसका जो हमारा वायरस एक दूसरे से फैलता है उसको हम लोग रोक सकते हैं। रिस्क एहतियात सारे रहेंगे कि अगर कोई बीमार होता है, किसी को वायरस वाले सिम्टम्स होते हैं, इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स होते हैं, उसे हम लोग अलग, उसको अलग रख सकते हैं और उसको फैलने से रोक सकते हैं। तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट होंगी। आने वाला 3 महीना बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये बताने के लिए कि हम लोग किस दिशा में बढ़ रहे हैं। अगर ये वेरिएशन, एक वेरिएंट, नया कोई म्यूटेशन आ जाता है, वो इजीली फैल सकता है, बट ये बात पक्का है कि अगर वो आता भी है तो हम लोग कोविड सेकेंड वेव जैसी वेव नहीं देखेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। लिए आपने बहुत राहत की बात कही कि सेकेंड वेव नहीं देखी हुई। फर्स्ट वेव में जब ढिलाई बढ़ती गई थी और उसके बाद सेकेंड वेव जो सुनामी बन के आई थी, उसका असर हम सब पे कहीं ना कहीं हुआ। जो आपने बात कही, अगर हम अभी बात करें जो ग्लोबल नंबर्स हैं उनमें हमें किस तरीके का ट्रेंड निकल के आ रहा है, क्या ये ओमिक्रॉन ही वेरियंट है और वहाँ पर मोर्टेलिटी किस तरीके की है समय से?
अभी जितने डेटाज आ रहे हैं फ्रॉम फ्रांस, फ्रॉम जर्मनी, चाइना में भी, ये सारे ओमिक्रॉन के, जो ओमिक्रॉन डिफरेंट वेरिएंट नंबर टू, ओमिक्रॉन नंबर टू वो वाले आ रहे हैं, BA.2 जिसको बोलते हैं, वो वाले आ रहे हैं, इनकी मोर्टेलिटी कोई डिफरेंट नहीं है चाइना में, जो एक मतलब आप समझ सकते हो, एज कंपेयर करो सेकेंड वेव से जहां पे की मोर्टेलिटी इतनी ज्यादा थी, वहां से अगर आपके एक दो मोर्टेलिटी हो तो वो बहुत ज्यादा नहीं है, तो मतलब सिग्निफिकेंट मोर्टेलिटी नहीं आ रही है, अभी भी लोग बहुत ज्यादा घर पे ही ठीक हो रहे हैं, तो ये अपने आप में राहत की बात है। बस ये समस्या होती है कि जब एक बार नंबर ऑफ न्यू इन्फेक्शन बढ़ते हैं वहीं पे म्यूटेशन भी बढ़ता है, तो म्यूटेटेड वेरियंट कैसा होगा ये आने वाला समय बताएगा, बट हमेशा हमें याद रखना होगा कि ये अब हमारे मेजर पॉपुलेशन जो है एडल्ट पॉपुलेशन 12 साल से, अब तो 12 साल से आगे भी वैक्सीन लगने लगे हैं, तो जितने वैक्सीनेशन के हमारे नंबर बढ़ेंगे उतने नए इन्फेक्शन या सीवियर इन्फेक्शन होने के चांस कम होंगे, क्योंकि एक माइल्ड इन्फेक्शन होने से, वायरल इन्फेक्शन होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तब होती है जब ये इन्फेक्शन सीवियर होता है, हॉस्पिटलाइजेशन होता है, मोर्टेलिटी होती है, वो होपफुली चाहे कोई भी वेरियंट हो, जो जो अब समय बीत रहा है इसके नंबर्स कम होने, इसके होने के चांस कम होंगे, और अगर ऑन टॉप हम लोग मास्किंग कंटिन्यू रखते हैं, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर रखते हैं, तो वो नंबर और भी कम हो जाएंगे, तो ये हमारे लिए एक प्लस हो जाएगा कि हम लोग कोई भी वेरिएंट आए हम ये प्रिकॉशन जारी रखेंगे। तो मैं ये कहूंगा कि गवर्नमेंट से अब आएगा, आप देखोगे कि नए नए गाइडलाइंस जितने आएंगे उसमें अनलॉकिंग में यही कहा जाएगा कि अब आप पे छोड़ दिया जाएगा वॉलंटरीली। तो मैं कहता हूं कि हम लोग एक सोशल मुहिम स्टार्ट करें जिसमें हम लोग कहें वॉलंटरी मास्किंग, कि हम लोग बाहर जाएं तो हम लोग एक मास्क लगा के रखें, ये हमारे लिए खास करके दिल्ली NCR में ये डबल प्रोटेक्टिव है, पॉल्यूशन से भी है और वायरस से भी है, और साथ साथ अगर कोई बीमार घर में पड़ता है तो हम लोग उसको आइसोलेट करें और फ्लू लाइक उसको ट्रीट करें, जो कि मेजोरिटी, अब ये मैं कह सकता हूं कि अब जितने पेशेंट्स हमने बहुत देखे हैं अभी भी कोविड के, लेकिन सारे पेशेंट्स माइल्ड सिम्टम्स के साथ घर पे ठीक हो रहे हैं, तो ये अच्छी बात है कि आपको ये बहुत दिक्कत नहीं करेगा, लेकिन हमें अभी वी शुड नॉट लेट आवर गार्ड डाउन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभी के समय के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरुणेश सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें इस बारे में बात करने की, क्योंकि आज 2 साल हुए हैं, तो मैं एक बार आपकी पूरी फ्रेटर्निटी को भी धन्यवाद करना चाहूँगा, 2 साल आपने कोविड वॉरियर्स की तरह लड़ाई लड़ी है हम सब के लिए पिछले अगले 2 साल में।